नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज के जमाने में, आज से नहीं, आदिकाल से एक चीज हमेशा बहुत पावरफुली इस दुनिया में राज करती हुई आई है, और वो चीज है पैसे। पैसे यदि आपके पास हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं। और यदि पैसे आपके पास नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आज का जमाना ऐसा है दोस्तों, जहां लोग की तुलना, उसका मूल्यांकन किया जाता है सिर्फ सिर्फ पैसों से। और वैसे भी दोस्तों, पैसे यदि आपके जेब में है, आपका बटुआ भरा हुआ है, भरपूर पैसे आपके पास हैं, तो जिंदगी का दोस्तों आनंद है कुछ और है। यदि पैसे ना हो तो जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं है, सुख नहीं, समृद्धि नहीं, तो संपन्नता कहाँ से आएगी, खुशी कहाँ से आएगी। पैसे तो होना बहुत जरूरी है ना। आज आपको ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों। पैसे तो देगा ही, लेकिन कैसे पैसे, अचानक। आप देखना पे दोस्तों, जो रेगुलर आपके पास इनकम आती है उससे आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको सडनली कहीं से धन मिल जाए, अचानक, अनएक्सपेक्टेड, तो आपको आपको बहुत बहुत खुशी मिलती है, सभी को मिलती है। अचानक धन की प्राप्ति होना दोस्तों बहुत ही खुशी दे करके जाता है ना। तो आज आपको ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, कहीं से भी मिले लेकिन आपको अचानक धन अवश्य ही मिलेगा, अचानक धन। तो जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरी चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वीडियो आ गई है देखने के लिए, है ना। चैनल को दोस्तों फिर से बता दूं कि ये मेरी दूसरी चैनल है वीना भदौरिया, आपको इसे सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को भी अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया जैसी बड़ी चैनल बनानी है। चैनल दोस्तों कोई भी ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, चैनल तो चैनल होती है, लेकिन जब आप सब उसमें आ जाते हैं तो लोग कहते हैं चैनल बड़ी हो। तो आप सभी लोग आए हमारे चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करें, बड़ी बना दें, ठीक है दोस्तों। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही आनंददायक है, आकस्मिक धन देने वाला है, अचानक धन देने वाला है। जैसे कि आपको अचानक लॉटरी लगती है, अचानक अनएक्सपेक्टेड मनी, जहाँ से आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा होगा। आप बोलते हैं ना कितनी बार, ओ मुझे वो पैसा मिल गया जिसकी मैंने कभी आशा भी नहीं रखी थी। ऐसा धन है ना। आपको दोस्तों सोमवार के दिन एक ले लेना है झंडा, ध्वजा, ध्वजा, ध्वजा बोलते जब कोई भगवान के लिए किसी फ्लैग को लगाने के लिए जाते हैं, उसे ध्वजा बोला जाता है, ध्वजा। तो आपको बिल्कुल व्हाइट कलर के रेशमी कपड़े की ध्वजा बनानी है, बराबर, फ्लैग ले लेना है, या आप उसे बना सकते हैं कटिंग करके, और एक उसके लकड़ी में आप उसको लगा दें अच्छे से, बराबर। उसमें आप अपने इष्ट देव का नाम लिख दें, या फिर आप लिख दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव का वास है, भगवान श्री हरि का वास है, और ढेर सारे दूसरे योनि के जीवों का वास है, अति इंद्रिय जीवों का वास है, ढेर सारे सिद्ध पुरुषों का, ब्रह्म राक्षसों का भी उसमें वास है दोस्तों। जो पीपल के पेड़ में आपकी पूजा है सफल क्यों हो जाती है, पीपल में, बरगद में, अमुक जो पेड़ पौधे हैं वहां पर अमुक जो दुआएं आप मांगते हैं, किंकर के भी पेड़ का मैंने एक उपाय बताया था, रविवारी टोटका, उसमें दूध चढ़ाने का दोस्तों, जिससे लक्ष्मी आपको मिलती है। तो हर पेड़ पौधे की एक अपनी विशेषता होती है, उसका एक अपना महत्व होता है, उसमें अलग अलग टाइप के जीवों का और अति इंद्रिय योनि के जीवों का वास होता है, जो आपके
आपकी क्रियाओं को सफल बनाते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब कोई भी जीव, कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, या कोई भी व्यक्ति जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दे, वही भगवान हो जाता है। सही बात है ना। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा? जो हमें खुशी दे, जो हमें संपूर्णता दे, जो हमारे सारे दुखों को दूर कर दे, है ना। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान हमें आनंद की दुनिया में ले जाए, ऐसा ज्ञान दो हमें, है ना। सही बात है। जो आनंद ज्ञान में है वो तो यूं भी दोस्तों लक्ष्मी में नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, लक्ष्मी तो जरूरी है जीने के लिए। तो आप सोमवार के दिन ऐसे ही ध्वजा बना लें और पीपल के पेड़ के नीचे आप पहुंच जाएं। पीपल के पेड़ पर दोस्तों आप जल अर्पित कर दें, उन्हें चावल चढ़ाएं, हल्दी का कुमकुम लगाएं, वहां पर आप प्रार्थना करें जो भी आपकी इच्छा है, मतलब कि मुझे अचानक धन मिले, मुझे इतना धन मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, जो भी आप कहना चाहते हैं आप वहां पर कहें। और उसके बाद उस ध्वजा को आप पीपल के पेड़ पर लगा दें, बस हो गया आपका काम। ध्वजा दोस्तों आप ऐसे लगाएं कि ध्वजा हवा में लहराती रहे। जैसे जैसे ध्वजा हवा में लहराएगी, आपके पास अपने आप धन आने के योग बनने शुरू हो जाते हैं और दोस्तों आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है। चाहे वो धन कहीं से भी आए, कैसे भी मिले, पर मिलेगा अवश्य। किसी को जल्दी मिलेगा तो किसी को देर से मिलेगा। जिसकी जैसी आस्था, जिसके जैसे राम, वैसे उसके काम, है ना। तो अपनी आस्था को, अपने राम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। कोई भी कर्म करें दोस्तों तो हमेशा ये कहें, यस मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं तो इसका रिजल्ट मुझे मिलना है, और मिलना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट मिलेगा क्या, मैं रिजल्ट ले लूंगा, ये है एकदम सही स्प्रिट, एकदम सही सोचने का ढंग। सबसे पहले अपने आप से पूछे कि जो कर्म मैं कर रही हूं या करने जा रहा हूं वो सही है तो फिर मुझे 100% सफलता चाहिए, और सफलता आपको मिलेगी, मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।